हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सबसे पहले आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी दिवाली। तो गाइस, इस दिवाली के अवसर पर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ख़ास वीडियो। आपने टाइटल और थंबनेल से पहचान ही लिया होगा कि गाइस आप सिनर्जी कंपनी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे आप ये सिनर्जी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि कैसे हम सिनर्जी कंपनी ज्वाइन करें जीपी रेटिंग के बाद, जीपी रेटिंग करके कैसे सिनर्जी कंपनी मिलेगी, कैसे ज्वाइन करें, कैसे प्लेसमेंट मिलेगी, और सर्विस चार्ज तो नहीं लगता है, या फिर कितने रुपए देने पड़ेंगे, कैसी परमानेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है। तो गाइस, आज आपके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और आंसर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं आ गया हूँ इस वीडियो में आपको सब इन्फॉर्मेशन देने। तो गाइस, जो लोग सिनर्जी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनको बता देता हूँ सिनर्जी कंपनी के बारे में। सिनर्जी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके पास 600 से ज़्यादा शिप्स हैं, जिसमें ऑयल टैंकर्स, केमिकल टैंकर्स, कंटेनर, बल्क कैरियर्स, और मतलब बहुत सारे जितने भी तरह के जहाज़ हो सकते हैं, सारे तरीके के जहाज सिनर्जी के पास हैं। और मैं सिनर्जी के साथ 3 साल से सेल कर रहा हूँ, मतलब मेरे 3 शिप हो गए हैं सिनर्जी के साथ। तो गाइस, चलो शुरू करते हैं कि कैसे आप जीपी रेटिंग के बाद ज्वाइन कर सकते हैं सिनर्जी कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखो, आपने 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स कर लिया। जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप लोग ढूंढते हो कि किधर क्या करना है, कैसे प्लेसमेंट लेनी है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो सिनर्जी कंपनी अराउंड मार्च के मिड में या फिर मार्च के एंड में अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकालती है ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए। वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप 6 महीने का जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हो, अगर आप जनवरी टू जून वाले बैच में हो, तो आपको अराउंड फेबररी के एंड से आपको थोड़ा नोटिस करना शुरू करना पड़ेगा कि सिनर्जी का रजिस्ट्रेशन लिंक कब आने वाला है, कब उसके पोर्टल खुलने वाले हैं। ये आपको थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सर्च करते रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 10 दिन पहले आ जाते हैं, कभी 10 दिन बाद आ जाते हैं। तो मार्च के एंड में, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में ऐसे ही मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, अपने आप को उधर रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म आपको अच्छे से फिल करना है, और आपको उसमें लिखना है कि परसुइंग जीपी रेटिंग। कभी कभी क्या होता है कि ईयर पूछते कि आपने जीपी रेटिंग कब ख़त्म किया। तो ये एग्ज़ाम जीपी रेटिंग वालों के लिए भी है, डीएनएस वालों के लिए भी है, बीएससी वालों के लिए भी है, सबके लिए एग्ज़ाम होता है, जो जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं अपने कोर्स ख़त्म करने के बाद। तो ये वीडियो में हम फोकस करेंगे खाली जीपी रेटिंग वालों के लिए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम सब फोकस करेंगे, और भी 12th के बाद आपने डीएनएस किया, बीएससी करा है, तो उस वीडियोज़ पर हम बाद में फोकस करेंगे। तो गाइस, क्या करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कभी कभी क्या होता है, मेरे टाइम पे क्या हुआ था, बच्चों ने 700 रुपये उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन फीस थी, अभी शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो उस टाइम पे बच्चों ने क्या किया था, अरे यार बड़ी कंपनी है, नहीं होगा, पैसे चले जाएंगे, 700 रुपये के चक्कर में फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म फिल नहीं किया था, रजिस्टर नहीं किया था, जिसकी वजह से वो आज तक रिग्रेट कर, और 3-4 साल से अभी तक वो लोग कोस्टल शिप मार रहे हैं, 9-10 हज़ार की सैलरी ले रहे हैं। तो कभी कभी मेरे पास भी आता है कि यार कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, थोड़ा बताओ। मैंने एक ही बात बोली, भाई रजिस्टर करो, एग्ज़ाम दो। तो क्या होता है, आपने रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड में आपको क्या कहते हैं, डेट दी जाएगी ऑनलाइन एग्ज़ाम की। अब बात करते हैं मेन ऑनलाइन एग्ज़ाम की, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट यही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है आपको। सिनर्जी कंपनी ज्वाइन करने के लिए आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, विदाउट उसके आपको कैसे भी आपको सिनर्जी में एंट्री नहीं मिलेगी। कोई प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि सर्विस चार्ज के थ्रू प्लेसमेंट होता है सिनर्जी में, नीट एंड क्लीन प्रोसीजर है। आपको पढ़ाई अच्छी रखनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, मैं आपको बताता हूँ, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है। 200 मार्क्स में 4 पोर्शन होते हैं। पहला होता है 50 मार्क्स डेक साइड का, 50 मार्क्स इंजन साइड का, और उसके बाद बचे 100 में 5 सेक्शन होंगे 20-20 मार्क्स के। उसमें पहला एप्टीट्यूड होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, जीके होगा, और आपका शायद स्किल्स बेस्ड पे होगा। तो 5 सेक्शन हैं आपके, टोटल 7 सेक्शन आपके आते हैं, 50 डेक का, 50 इंजन का। मतलब उसमें आपको क्या पूछेंगे, जो आपने 6 महीने पढ़ा है 50-50 मार्क्स के वही पढ़ेंगे, वही पूछेंगे। ऐसा भी नहीं है कि खाली आप इंजन और डेक पढ़ के चले गए, उसमें 100 मार्क्स लिया तो भी आप शायद पास हो जाएं, क्योंकि मेरे टाइम पे कट ऑफ थी जो 152 थी 200 में से, तभी आप पास हो पाओगे। अब परसेंटाइल आ गई है कि 98 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल, तो वो परसेंटाइल के बेसिस पे ही अब सिलेक्शन हो रहे हैं। तो आपको सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला है आपको डेक और इंजन तो आपका स्ट्रॉन्ग करना है, जो आप 6 महीने पढ़ते हो। उसके बाद आपको ये 20-20 मार्क्स के जो 5 सेक्शन है, एप्टीट्यूड है,
जीके है, मैथ्स है, इंग्लिश है और स्किल्स है जो आपका जनरल नॉलेज वगैरह है, इन पे भी फोकस करना है। इनकी बुक्स वगैरह आती हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको जो ये 50-50 मार्क्स के दो सेक्शन है, डेक और इंजन, ये आपको जीएमई और आपका एमई के में मिल जाएगा। जो लोग जीपी रेटिंग करके बैठे हैं तो वो पता होगा कि उनको ये एमई के और जीएसके जनरल शिप नॉलेज और मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज की ये जो बुक हैं दोनों, ये आपको पूरा अच्छे से याद करनी है कि क्या क्या आता है उसमें। मतलब 50-50 मार्क्स में आपको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ये जो बाकी का जो सेक्शन है 100 मार्क्स का, 20-20 का, ये आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। ये आपको ऑनलाइन भी बुक्स मिल जाएगी एप्टीट्यूड वगैरह की, स्किल्स इंग्लिश की, मैथ्स की, जनरल नॉलेज की, और आप ऑनलाइन भी देख के पढ़ सकते हो यूट्यूब पे, नहीं तो बहुत सारी बुक्स आती हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, मान लो आपने परसेंटाइल अच्छी लिया है, आप सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद आपको कंपनी बुलाया जाएगा, कंपनी बुलाने के बाद आपका इंटरव्यू होएगा कंपनी में, टू बी नोटेड। ऐसा नहीं है कि खाली आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आप पास हो गए, कंपनी में आपका एक इंटरव्यू होगा जो कि एक कैप्टन है, जो उस मतलब ऑफिस के इंचार्ज हैं या जो मेन कैप्टन है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में आप पास होते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। उसमें एक और चीज़ आ जाती है कि आपको कंपनी के अंदर जाके एक और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे आपको एक एग्ज़ाम देना है 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 75-80% लाने ही पड़ेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ओके, पहले आपको जाके ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है कंपनी में भी एक, जिसमें आपको 80-85% लाने, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद आपका कुछ पेपर वर्क रहेगा, आपका वीज़ा अप्लाई होगा, या फिर अगर आपको टैंकर्स में जाना है तो अगर आपने एक ऑक्टो कोर्स होता है, ऑक्टो कोर्स करना पड़ेगा। ऑक्टो कोर्स करने के बाद फिर बहुत सारे प्रोसीजर हैं, येलो फीवर लगाना है या फिर टैंकर के लिए डीसी निकलवानी है, वो सब करने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो बेसिक सिंपल यही प्रोसीजर है सिनर्जी ज्वाइन करने का, और कोई प्रोसीजर नहीं है। एग्ज़ाम दो, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरो, एग्ज़ाम दो 200 मार्क्स का, 200 मार्क्स में कट ऑफ लेके आओ, उसके बाद कंपनी में एक कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दो, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू क्लियर करते ही आप कंपनी में एंट्री कर जाते हो। जैसे ही आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं आपका सिलेक्शन हो जाता है, फिर आप कंपनी में परमानेंट हो जाते हैं। तो गाइज, अगर आप भी सिनर्जी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी तरह और सिनर्जी में सेल करना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करिए, अच्छे से पढ़िए, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करिए। क्योंकि अगर आप एजेंट्स के पास जाएंगे तो एजेंट्स आपसे 3-4-5-6 लाख रुपए लेगा फॉरेन गोइंग वेसल्स के, और फिर उसके बाद आपको एक ही सेलिंग कराएगा, फिर सेकंड सेलिंग में फिर पैसा देना पड़ेगा, कोई परमानेंट नहीं है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, खाली थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप कंपनी में एंट्री कर जाते हैं, उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिल जाती है, और फिर लाइफ टाइम के लिए कोई टेंशन नहीं है। लाइफ टाइम आप एक ही कंपनी में सेल करिए, अच्छी कंपनी है, अच्छी सैलरी है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था या दिखा दिया था मैंने आपको मेरी लास्ट वीडियो में कि सैलरी क्या है, तो सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। और गाइस, जो जो जीपी रेटिंग कर रहे हैं या करने वाले हैं, जो फ्यूचर में मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।